मम्मी रोजो बेटे को छो ना बेबी को छेड़ छेड़ क्यों लग रही है बेटू रोमीरा। ओ मैं बेटे को भूख लगी है, क्या खाना है बेटे को? बुआ, मुझे भूख लग गया। मुझे मीठा पराठा खाना है। ओ मीठा पराठा खाना है बेबी को? अभी बस 2 मिनट बेबी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंगिंग लाइफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठा पराठा। सब तरह के पराठे आपने खाए होंगे, आलू का, गोभी का, लेकिन आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ मीठा पराठा, जो झटपट बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपके घर में कोई मीठा न हो और आपका मीठा खाने का मन करे तो आपको तुरंत आप इसे तुरंत बनाकर खा सकते हैं। और मुझे भी बहुत लेट हो रही है, मेरी गुड़िया जो है वो वेट कर रही है मीठा पराठे के लिए, वो और ज्यादा नाराज हो जाएगी। तो चलते हैं जल्दी से मेरे किचन में और बनाते हैं मीठा पराठा। मीठा पराठा बनाने के लिए ये मैंने आटे की मोटी लोई ली है, इसको हम आटा लगाकर बेल लेंगे। इस तरह से हमको इसको बेलना है, ज्यादा छोटा भी नहीं रखना है और पूरा बड़ा भी हमें नहीं बेलना है, बस मीडियम साइज का इसको हमें बेल लेना है। अब एक बाउल में हम करीबन 1.5 चम्मच चीनी लेंगे और उसी चम्मच से हम 1 चम्मच जो है वो नारियल का बुरादा लेंगे और 1 चुटकी इलायची पाउडर इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अगर कम मीठा या ज्यादा मीठा खाना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप चीनी कम या ज्यादा कर सकते हो, और अगर इलायची खाना पसंद नहीं करते तो आप इलायची भी स्किप कर सकते हो, बट नारियल का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप नारियल इसमें जरूर डालें। अब हमने जो ये मिश्रण बनाया है इसको हम पराठे के बीच में इस तरह से रख लेंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा घी। इस तरह से हमें इसमें घी डालना है और घी डालकर हमें इसको इस तरह से मिलाना है। अगर घी कम हो तो आप घी और भी डाल सकते हो, और जितना ये हो मिश्रण बस ये मिलना चाहिए उस हिसाब से ही हमें घी डालना है। तो ये मेरा जो है ये मिल चुका है। अब मैं इसको इस तरह से इसको पराठे को बंद कर दूंगी, सब तरफ से अच्छा सा बंद करके इसकी हम एक अच्छी सी लोई बना लेंगे। बस इस तरह से हमें इसको हल्के हाथों से बनाना है और ज्यादा इसको दबाना नहीं है। अब इसको आटा लगाकर हम फिर से बेल लेंगे। जिस साइड से हमने पराठे को पैक किया था वो साइड हमें ऊपर रखना है और उसी साइड से हमें बेलना स्टार्ट करना है। ज्यादा पतला नहीं बेलना है इसको, थोड़ा मोटा ही रखना है। बस इसको इतना ही बेलना है। ये अब जो है हम इसको तवे पे सेक लेंगे। अब ये तवा मैंने पहले से गैस पे गरम करने के लिए रख दिया है, अब इस पे हम ये अपना पराठा डाल देंगे और उसके बाद हमें इस पे इस तरह से घी लगाना है और घी लगा करके दूसरी साइड भी इस तरह से इसको घी लगा लेंगे। पराठा जो है हमारा सिककर रेडी हो गया है। देखिए कितना सुंदर पराठा हमारा बनकर के तैयार हुआ है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर पराठा हमारा तैयार हुआ है। ये दिखने में जितना ही सुंदर है, कुरकुरा लग रहा है, उतना ही अच्छा ये खाने में है। और आप भी घर पर इस मीठे पराठे को जरूर बनाएं और बना करके ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि मैं कह रही हूँ ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसको देसी घी में ही बनाना है। अब मेरे घर पे सब वेट कर रहे हैं तो मैं इसे सर्व कर दूंगी उन्हें। कैसी लगी मेरी रेसिपी? है ना बहुत इजी। तो आप जल्दी से जाइए अपने किचन में और झटपट ये मीठा पराठा बनाकर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पराठा कैसा बना। और जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।